भाई दिखाई नहीं पड़ता है कई बार फल, तो अपने को लगता है कि क्या है इन सब चीजों में, इस पूजा पाठ में, इस भक्ति में। लेकिन अगर कोई वास्तव में अपने परिणामों को शांत कर ले भक्ति के माध्यम से, अपनी आकुलता को घटा ले, घटती ही है, तो यही तो उस भक्ति का लाभ है जो इस जीवन में मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर परिणाम अच्छे होते हैं तो कर्मों के बंधन से हम बच जाते हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। ये बहुत बड़ा लाभ आगामी जीवन में भी इस भक्ति से प्राप्त होता है। और भगवान क्या सचमुच हमारे लिए कुछ लेते देते हैं? नहीं भैया, हम ऐसे भगवान में श्रद्धा नहीं रखते जो लेते देते हो। जो लेन देन से पार हो गए संसार के, वे ही हमारे भगवान है। जो न वे संसार के लेन देन में लगे हैं, उनको हमने भगवान माने ही नहीं। हाँ, जिनको किसी पर स्नेह उमड़ जाए, प्रेम उमड़ जाए, तो उसको वरदान दे देवे, और किसी के प्रति गुस्सा हो जावे तो उसको श्राप दे देवे, तो भैया जी अबे उनको संसार घटो नहीं है, अबे तो संसार ही में है। कोपावेशो न तब न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमो पेक्षैवान पेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी कैवम भूतम भुवन तिलक प्रावम तत्परेश। भगवान, एक चीज और आपके भीतर दिखाई देती है, कोपावेशो न तब न तब, किसी से भी आपका गुस्सा या नाराजगी नहीं है। न तब प्रसादो, किसी पर भी आप अतिरिक्त कोई कृपा नहीं करते, यानी न किसी को वरदान देते हैं प्रसन्न होकर के, न नाराज होकर के किसी को शाप देते हैं। कोपावेशो न तब न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवान पेक्षम, अत्यंत उदासीन है आपकी चित्त प्रवृत्ति, अर्थात सबके प्रति आपके मन में साम्य भाव है। सैनिक महाराज मुनि राज के ऊपर उपसर्ग करते हैं, गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, और महारानी चेलना आकर के उपसर्ग दूर करती हैं, लेकिन उपसर्ग दूर होने पर मुनि महाराज दोनों को समान भाव से आशीर्वाद देते हैं। ये है भगवत्ता की तरफ बढ़ने का प्रयास। जहां की साम भाव है, जहां की उदासीनता है, राग द्वेष से परे वीतराग भाव है, वहां पर भगवत्ता है। ऐसे आप हो भगवान। और कल देखना, आप उस सेठ जी के साथ में राजा आएंगे मेरे दर्शन करने के लिए, और देखेंगे कि मेरी देह कुष्ठ की है या कि स्वर्ण कुष्ठ रोग से ग्रसित है या कि स्वर्णमयी हो गई है। सो मुझे विश्वास है कि कल वो देह स्वर्णमयी उनको दिखाई पड़ेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने शिकायत करी थी उनका आयत हो जावे, इसलिए पूरी देह सोने की नहीं, थोड़ा सा कुष्ठ शेष रहना चाहिए। तो निंदक और बंदक दोनों पर साम भाव रखने के। कल जिन्होंने निंदा करी थी उनको भी आशीर्वाद देऊंगा, कल जिन्होंने मेरी जय जयकार और प्रशंसा करी थी उनको भी आशीर्वाद देऊंगा। आप भी मुझे यही उपदेश देते हैं भगवान की, निंदक और वंदक दोनों पर साम भाव रखना। आप इसीलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अपना आतंक बना करके रखें उनके वश में संसार रहता है, या कि जो सब पर कृपा भाव रखें उनके वश में रहता है, लेकिन ना आप किसी को वरदान देते ना अभिशाप देते, फिर भी आज्ञा वश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी। सब जीव ऐसा मालूम पड़ता जैसे आपकी आज्ञा में हो, आपके चरणों में आकर के अपना जन्म जात बैर भाव भी भूल जाते हैं। समो शरण में जीव जाकर के तिर्यंच भी जो एक दूसरे के जन्म जात बैरी होते हैं अपना बैर भूल जाते हैं। तो वादी राज महाराज कल्पना कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने सबको आज्ञा दी हो कि सब यहां पर शांत रहना, अपने आप ही बिना आज्ञा दिए ही वे आज्ञा में है, ऐसी हमने शक्ति ऐसा प्रभाव तो हमने भगवान और किसी का कहीं नहीं देखा। दुनिया में
अपना आतंक फैला करके दूसरे को वश में करने वाले बहुत देखे, दुनिया को कोई लालच दे करके वरदान दे करके अपने अपने अंडर में रखने वाले भी बहुत लोग देखे, लेकिन इतनी उदासीन वृत्ति रखने वाले की आज्ञा में सब चलें, ऐसा प्रभाव तो आपका ही हमने देखा है और यही वास्तव में हमारे लिए भी अनुकरणीय है। हमें भी इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में भी ऐसा ही साम भाव, ऐसी ही वीतरागता आ जावे तो हमारा जीवन आज भी इसी क्षण सुख